हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन बीए फाइनल की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से, यानी देश के औद्योगिक प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है, कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत क्लास में भी अपन ने विश्व के औद्योगीकरण के बारे में चर्चा की थी। हाँ, औद्योगिक स्थानीयकरण है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए और कुछ सिद्धांत के अनुसार उद्योगों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। विश्व के अंदर जो औद्योगिक राष्ट्र है इन औद्योगिक राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, ये ऐसे जो देश हैं, कनाडा है। हालांकि कनाडा कृषि क्षेत्र के आधार पर औद्योगिक श्रेणी या विकसित देश की श्रेणी में आता है क्योंकि वहाँ प्राथमिक क्रियाएँ अधिक होती है। तो यूरोपीय कंट्री और उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया में जापान या सोवियत संघ है, ये ऐसे देश हैं जिसको औद्योगिक देश के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक देश का एक सम्मेलन होता है जिसको G8 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इन देशों के अंदर औद्योगिक विकास क्यों हुआ, अधिक क्यों हुआ, उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार है। उन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता होना, पर्याप्त वहाँ पे परिवहन की, कोयले की, ऊर्जा संसाधन की, प्रौद्योगिकी की, नवीन तकनीकी की, सरकार की अर्थव्यवस्था जो नीतियाँ हैं, ये बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिससे वहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। पूंजी भी उसमें शामिल है। आज अपन विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें पहला औद्योगिक प्रदेश है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है, इसके बारे में अपन ने विगत क्लास में भी चर्चा की थी। सबसे पुराना या शुरुआत इसी औद्योगिक प्रदेश से हुई है जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में दूसरे प्रकार के भी उद्योग इसमें आ गए हैं। इसमें जो बॉस्टन लॉरेंस है या लावे जो बूंदी वस्त्र भी आ गया है, या कनेक्टिकी घाटी का औद्योगिक केंद्र है, वहाँ कुछ धातु के सामान भी बनते हैं, तो दूसरे उद्योगों का भी वहाँ जमावड़ा है। दूसरा जो उद्योग है औद्योगिक प्रदेश, जिसको मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, इसको अपन पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश भी कह सकते हैं क्योंकि ये अटलांटिक महाद्वीप का जो तट है उस पर पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये जो अमेरिका का पूर्वी तट है जो अटलांटिक महासागर से लगता है और वहाँ पे अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। उन क्षेत्रों के अंदर कच्चे माल की उपलब्धता होना, जल परिवहन की या रेल परिवहन की पर्याप्त सुविधा होना, इसके अलावा जो शक्ति के संसाधन हैं, पूंजी है, ये व्यवस्था उपलब्ध होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार अधिक हुआ है। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, जिसको पूर्वी तटीय औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, इसमें पूर्वी न्यूयॉर्क है या न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी पूर्वी जो वर्जीनिया है, ये राज्य इसमें सम्मिलित आते हैं। जैसे न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी जो पोशाक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और मैनहट्टन द्वीप जो हल्के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, चेसापीक की खाड़ी के तट पर जो बाल्टीमोर है वो विविध उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक जल या निर्माण है वो डेलावेयर नदी के किनारे यानी कि निर्मित होते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं। रिचमंड जहाँ तंबाकू के बने पदार्थ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो
इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो मध्य अटलांटिक औद्योगिक क्षेत्र है या पूर्वी तटीय औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ उद्योगों का अधिक विस्तार होने का जो मुख्य कारण है वो यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाना, इसके साथ ही यहाँ यानी कुशल श्रमिक, बंदरगाह, परिवहन की सुविधा, ये जो कारण है जो इस औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के प्रमुख कारण माने गए हैं। तीसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश है जिसको कहते हैं दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, इसे दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश या इसे दक्षिणी अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार चेचापीक खाड़ी के दक्षिण से लेकर जो जॉर्जिया स्टेट्स है वहाँ तक स्थित है, चेचापीक खाड़ी से जॉर्जिया राज्य तक विस्तृत है। और इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का 90% सूती कपड़ा दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र में बनता है, यानी जो दक्षिणी अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का 90% सूती वस्त्र तैयार होता है। बर्मिंघम लो एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बर्मिंघम है जो लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और ईलकोआ है जो एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ईलकोआ जो एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश में तंबाकू उद्योग, फर्नीचर उद्योग, खाद्य परिष्करण उद्योग भी का भी पर्याप्त विकास हुआ है। ज़्यादातर यह सूती वस्त्र है, इसके अलावा लोह इस्पात भी है और अन्य एल्यूमिनियम और तंबाकू उद्योग, फर्नीचर भी दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक में स्थित है। नेक्स्ट जो अमेरिका का हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश है, हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश, इस हडसन मोहावक घाटी औद्योगिक प्रदेश को मध्य न्यूयॉर्क प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में ज़्यादातर पोशाक, लोकोमोटिव, सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण से संबंधित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। रोचेस्टर फोटो का सामान, जो फोटो का सामान है, कैमरा, सूक्ष्म यंत्र कई महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का मुख्य जो कारण है वो है अटलांटिक समुद्र तट एवं महादेश के आंतरिक प्रदेशों के बीच में परिवहन मार्ग इसी प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी जहाँ सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग है उसकी सुविधा उपलब्ध होना जो इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का प्रमुख कारण माना गया है। नेक्स्ट जो ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश है, ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश जो अमेरिका का 5वां औद्योगिक प्रदेश है, यह उच्च कोटि के कोयले की स्थानीय उपलब्धता, परिवहन जो जल और रेलवे परिवहन की सुविधा होना इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार माना जाता है, इसे अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो यानी ओहायो घाटी औद्योगिक प्रदेश या अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है, इस क्षेत्र में औद्योगिक का विकास है उसके लिए एक तो अपलेशियन क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी अपलेशियन क्षेत्र में उच्च कोटि का जो एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, इसके अलावा सेंट लॉरेंस आंतरिक जल परिवहन और रेल परिवहन की सुविधा होना, पूर्वी तट पर पर्याप्त बंदरगाहों की सुविधा होना इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के प्रमुख आधार है। इस प्रदेश में इस्पात और धातु निर्माण करने वाले उद्योगों की प्रधानता है, जिसमें पिट्सबर्ग है, यंगस्टाउन, जो पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन है ये लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस प्रदेश में क्लीवलैंड जो विद्युत सामान और मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एक्रेन जो रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अमेरिका के अंदर एक्रेन है वो रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन है वो लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और
क्लीवलैंड है वो विद्युत के सामान और मशीनरी औजार के लिए प्रसिद्ध है, जो ओहियो घाटी औद्योगिक प्रदेश में आता है। नेक्स्ट जो मिशिगन औद्योगिक प्रदेश है, मशीन निर्माण उद्योग इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है, मिशिगन औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा लोहा और इस्पात उद्योग भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस प्रदेश में मोटर निर्माण उद्योग हेतु प्रसिद्ध डेट्रॉइट मांस उद्योग जो शिकागो के अंदर यानी कि स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश का जो विकास का प्रमुख आधार है वो है महान झील के द्वारा सस्ता जल यातायात की सुविधा उपलब्ध होना, क्योंकि ये मिशिगन जो झील है इसके तट पर स्थित है। यहाँ पर जो डेट्रॉइट है, शिकागो जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है इस क्षेत्र में स्थित है। डेट्रॉइट ज़्यादातर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग का भी विस्तार अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ व्रत झील क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा के अंदर या सस्ता जल यातायात सुविधा उपलब्ध हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी मिल जाता है। दक्षिणी जो औद्योगिक प्रदेश है, अमेरिका का दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश जिसमें डलास राज्य जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ह्यूस्टन जो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अटलांटा जो वस्त्र और रसायन के लिए प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं, और नेक्स्ट है अमेरिका का प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में लकड़ी आधारित उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग महत्वपूर्ण है। यानी जो प्रशांत तटीय प्रदेश हैं, सुग्राजी अमेरिका का जो प्रशांत महासागर के तट वाला जो भाग है, पश्चिम का भाग है, यहाँ पर लकड़ी आधारित उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योगों का विस्तार अधिक हुआ है। इसके अलावा जो सीएल्टन है, यहाँ वायुयान का निर्माण होता है, सीएल्टन वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के मध्य और दक्षिणी भाग जहाँ कैलिफोर्निया है, वहाँ फल, मछली, पेट्रोलियम, कागज, रसायन, जलयान, वायुयान, फिल्म आदि से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। इस प्रदेश में जैसे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स जो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा वायुयान के लिए भी प्रसिद्ध है, और ऑकलैंड ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यानी प्रशांत तटीय औद्योगिक प्रदेश में सैन फ्रांसिस्को जो एक बंदरगाह भी है, लॉस एंजिल्स वो भी बंदरगाह है, और ऑकलैंड ये ऐसे औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ यानी जलयान, वायुयान, फिल्म उद्योग या पेट्रोलियम, कागज़, रसायन आदि के लिए प्रसिद्ध है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, जल विद्युत और पेट्रोलियम, फल, लकड़ी आदि की उपलब्धता इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के आधार माने गए हैं। यानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो रही है, जल विद्युत की भी यहाँ संभाव अधिक यानी कि उत्पादन होता है, पेट्रोलियम या फल लकड़ी वाली जो उपलब्धता है, जिससे यानी पश्चिमी जो प्रशांत तटीय प्रदेश है वहाँ औद्योगिकों का विकास अधिक हुआ है। ये प्रमुख यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश थे। अब यदि यूएसए के अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा की बात करें, तो कनाडा में प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है, प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, और उसके आधार पर ये विकसित देश की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है दक्षिणी पूर्वी कनाडा जो औद्योगिक क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी कनाडा औद्योगिक क्षेत्र, ये कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। यानी कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश माना जाता है, जो सेंट लॉरेंस घाटी और दक्षिणी ओंटेरियो तक फैला हुआ है। सेंट लॉरेंस जो घाटी है वहाँ से लेकर दक्षिणी ओंटेरियो तक यानी फैला हुआ है। कनाडा का 90% औद्योगिक उत्पादन इस प्रदेश में होता है। यानी कनाडा का 90% जो उद्योगों का उत्पादन है वो दक्षिणी पूर्वी कनाडा क्षेत्र में होता है, जो
ओंटेरियो से लेकर सेंट लॉरेंस घाटी से लेकर दक्षिणी ओंटेरियो तक फैला हुआ है। इसमें ओंटेरियो और क्यूबेक से कनाडा के लोहा और इस्पात उद्योग की कुल उत्पादन का 88% भाग प्राप्त होता है। यानी इस क्षेत्र में ओंटेरियो और क्यूबेक है वो विशेष रूप से लोह इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कागज़ उद्योग है, मोटर निर्माण उद्योग है या फिर रसायन उद्योग आदि का भी विकास हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के जो आधार है वो है कि एक तो कनाडा की 2/3 जनसंख्या यहाँ रहती है, इसके अलावा यहाँ लो ऐश का उत्पादन होता है, कोयले की उपलब्धता होना, वन संसाधन की उपलब्धता, जल यातायात की सुविधा, ये ऐसे कारण हैं जो इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के प्रमुख आधार माने जाते हैं। और लगभग 90% कनाडा का औद्योगिक उत्पादन इसी क्षेत्र से आता है और यहाँ जनसंख्या भी अधिक है, लो ऐश्क है, कोयला है, जैसे वरल झील क्षेत्र है वहाँ लो ऐश्क मिल जाता है, अपलेशियन क्षेत्र से यहाँ कोयला मिल जाता है, और कनाडा के उत्तरी जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं जहाँ कागज़ और लुगदी उद्योग अधिक पनपा है। पूर्वी तटीय क्षेत्र स्थित होने की वजह से यहाँ पे जल यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे इस क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। कनाडा के अन्य जो औद्योगिक प्रमुख केंद्र है उनमें से जैसे हैमिल्टन ये कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। हैमिल्टन जो लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है और लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। विंडसर जो कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं, जैसे मिशिगन तट पर अमेरिका में जो डेट्रॉइट है वो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा ही कनाडा के अंदर विंडसर है जो कनाडा का डेट्रॉइट कहलाता है और मोटर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और टोरंटो जो इंजीनियरिंग, रसायन और कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टोरंटो सार्निया विश्व का सबसे बड़ा तेल परिष्करण शाला यानी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वो सार्निया है। तो मित्रों, जहाँ रिफाइनरी होती है वहाँ बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग पनपते हैं, इसीलिए सार्निया जो विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वहाँ बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग भी स्थापित हुए हैं। मॉन्ट्रियल में के अंदर ये भी पूर्वी तट पर स्थित है, यहाँ जलयान है, तेल शोधन शाला है या इंजीनियरिंग और कागज से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। क्यूबेक अमेरिका का लो इस्पात के लिए कनाडा का लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और क्यूबेक क्षेत्र के अंदर जल यान उद्योग यानी कि अधिक विकास हुआ है। तो जल यान उद्योग के लिए क्यूबेक है वो प्रसिद्ध है। ओटावा जो कनाडा की राजधानी है, ओटावा के अंदर लकड़ी चिराई, कागज़ लुगदी और खाद्य तथा प्रसंस्करण से संबंधित अधिक यानी कि उद्योग है ओटावा के अंदर। कागज़ लुगदी उद्योग वहाँ का प्रसिद्ध है, इसके अलावा वहाँ लकड़ी चिराई प्रसिद्ध है और खाद्य प्रसंस्करण भी है। ये यानी कि जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी कनाडा उसमें आते हैं सारे केंद्र। प्रेरी क्षेत्र है कनाडा का, इस प्रदेश में जो पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, जैसे विनीपेग दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है जो प्रेरी घास के मैदान क्षेत्र में कनाडा में स्थित है और ये रेल मार्ग से जुड़ी हुई है। और एडमंटन विनीपेग जहाँ ज़्यादातर एडमंटन पेट्रोलियम के लिए और खाद्य पदार्थ आधारित विनीपेग प्रसिद्ध है। दक्षिणी पश्चिमी जो कनाडा है उसमें ज़्यादातर फल, मछलियाँ, जाजरानी, कागज़ से संबंधित जो उद्योग है वहाँ इस पश्चिमी यानी दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे उद्योग अनेक पनपे हैं। फल मछलियों से संबंधित है, कागज़ उद्योग से संबंधित है, जाजरानी उद्योग है। और इस क्षेत्र का प्रमुख जो केंद्र है वो वैंकूवर है, वैंकूवर एक बंदरगाह भी है और जो
यानी कि नेशनल कैनेडियन रेल मार्ग है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश थे। अब कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जो व्रत झील औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।